तो हम लोग अभ्यास दो कर रहे हैं। अभ्यास दो में स्टेप सिक्स पे कल हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे। अभ्यास दो में मैं द्वारा शरीर को देखने का अभ्यास कर रहे हैं। उसके स्टेप वन पे हमने मैं और शरीर इन दोनों वास्तविकताओं को अलग अलग पहचानने का अभ्यास किया। स्टेप टू में मैं और शरीर के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है उसको देखने का अभ्यास किया। तो इतना कि मेरे और शरीर के बीच कोई भौतिक रासायनिक आदान प्रदान नहीं है, सिर्फ सूचना का ही आदान प्रदान है। मैं शरीर को संकेत देता हूँ और शरीर में होने वाली संवेदनाओं को मैं पढ़ता हूँ। स्टेप थ्री में हमने देखा कि इसका निर्णय कौन ले रहा है। तो इसका निर्णय तो मैं ले रहा हूँ, शरीर नहीं, कौन वस्तु भी नहीं, निर्णय मैं ही ले रहा हूँ। जितना मैं आवश्यक मानता हूँ उतना मैं संवेदना को पढ़ता हूँ, उतना मैं शरीर को संकेत देता हूँ। स्टेप फोर में फिर हमने स्वयं और संवेदना के बीच दूरी को देखने का अभ्यास किया और इससे यह भी स्पष्टता होती जाती है कि मेरे और शरीर के बीच दूरी है। देखता है कि शरीर मेरे बाहर है, शरीर मेरे भीतर नहीं है, मेरा भाग नहीं है, मैं शरीर का भाग नहीं हूँ। संवेदना भी उसी तरह से मेरा भाग नहीं है, ना तो मैं संवेदना का भाग हूँ। संवेदना मुझसे बाहर है और मैं उसको निर्णयपूर्वक पढ़ता हूँ आवश्यकता अनुसार सामयिक रूप से। ये बात हम लोग कई प्रकार से ऑब्जर्व करने का प्रयास किए। स्टेप फाइव में फिर हमने भिन्न भिन्न संवेदनाओं को देखा। देखता है कि मूलतः देखे थे दो प्रकार की संवेदना है, एक शरीर के भीतर होने वाली घटनाओं से और दूसरी शरीर के बाहर होने वाली घटनाओं से। शरीर के बाहर होने वाली घटनाओं में देखें तो एक मेजर पार्ट व्यवहार का है, जो कुछ भी भौतिक रासायनिक हो रहा है बाहर, है ना, उसको भी रख सकते हैं। तो ये दिखता है कि तीन स्रोत हैं संवेदना के, दूसरे मनुष्य का व्यवहार, बाहर की भौतिक रासायनिक घटनाएं और शरीर में होने वाली घटनाएं। और इन तीनों संवेदनाओं को मैं पढ़ता हूँ आवश्यकता अनुसार सामयिक रूप से, फिर उसको मैं अर्थ देता हूँ। ये जो मैं अर्थ देता हूँ ये काफी महत्वपूर्ण है, और जो मैं अर्थ देता हूँ मैं अपने संस्कारों के आधार पर देता हूँ। यदि मेरे संस्कार सही समझ आधारित हैं तो मैं सही अर्थ देता हूँ। अगर मान्यताओं के आधार पर है तो मेरे द्वारा दिया हुआ अर्थ सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इस तरह से मेरे अंदर या तो प्रतिक्रिया तैयार होती है या फिर जिम्मेदारी का भाव तैयार होता है। जो भी मेरे अंदर भाव तैयार होता है उसको आवश्यकता अनुसार मैं सूचना के रूप में, संकेत के रूप में शरीर तक पहुंचाता हूं और शरीर फिर वैसा ही निर्वाह करता है। इस बात को हम लोग कई प्रकार से अपने आप में ऑब्जर्व करते रहे। उसके बाद स्टेप सिक्स में इसको और बारीकी से देख रहे हैं कि कैसे हम प्रतिक्रिया करते हैं और कैसे हम जिम्मेदारी पूर्वक जीते हैं। तो सिक्स ए में प्रतिक्रिया वाले भाग को देखा कि यदि मेरे निर्णय संवेदना से प्रभावित होते हैं तो अलग अलग स्थिति परिस्थिति में मैं प्रभावित हो जाता हूँ, अपनी प्रतिक्रिया को शरीर के माध्यम से बाहर व्यक्त करता हूँ, दूसरे जो भी भाव व्यक्त करते हैं उस पर प्रतिक्रिया, यानी उनकी चाहना पर शंका करना, गुस्सा होना आदि चलता रहता है। जो भौतिक रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं उनके प्रति भी प्रतिक्रिया होती रहती है, सर्दी गर्मी के लेकर। बाहर कोई शोरगुल हो रहा है, बाहर कोई गंध फैली हुई है, बाहर कोई स्पर्श मिल रहा है, कोई बाहर की वस्तु का स्वाद ले रहे हैं, इन सब को लेकर, कोई बाहर दृश्य दिखाई दे रहा है, इन सब को लेकर मेरे अंदर प्रतिक्रिया चलती रहती है। और फिर शरीर की जो स्थिति होती है उसके प्रति ही प्रतिक्रिया होती रहती है। छोटी सी समस्या को बहुत बड़ा मान लेना, है ना, या फिर ध्यान देने योग्य कोई चीज है शरीर में बट उसको इग्नोर करना, ये सब प्रतिक्रिया है, ये चलती रहती है। तो ये प्रतिक्रिया पूर्वक जीना है, परतंत्रता है ना, इसके आधार में समझ नहीं। इस वाले भाग को ऑब्जर्व करने के लिए कल हमने असाइनमेंट भी दिया था। इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे यदि किन्हीं का कोई प्रश्न बना हो, कोई शेयरिंग हो तो रख सकते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते सभी को। भैया मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था जी। अभी क्या होता है हमारे सिस्टम में, कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो सिस्टम है उनके अगेंस्ट में है,
या सिस्टम पूरे सिस्टम के अगेंस्ट में है, मतलब ये मान्यता है। और एक एक ऐसा एक ग्रुप बन जाता है कि जिनको ये लगने लगता है कि नहीं, पूरा सिस्टम जो है जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं वो उनके अगेंस्ट में है। और जब भी कोई ऐसा ट्रिगर आता है, मतलब जैसे कोई भी ऐसा मोमेंट आया कि तो वो हर टाइम में विरोध करते हैं उस चीज के लिए। तो और उनको जी ऐसा, और उनको उसमें सेटिस्फेक्शन भी लगने लगता है, यस दैट इज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, ये मेरी भागीदारी है और मैंने इसके लिए मतलब बहुत काम किया है, मतलब उस सिस्टम से, मतलब कभी कभी कहता है मैं सिस्टम से बचाया है, या फिर सिस्टम के लिए सिस्टम के अगेंस्ट में कह के या फिर कुछ भी आवाज उठाने के बाद मैंने एक बहुत बड़ा काम कर लिया, मैं दिफ, दिफ, वो उनको लगता है कि ये मेरी अचीवमेंट है। जी तो उससे क्या है कि वो एक्चुअली ये देख नहीं पाते हैं चीज को उठ के, ऊपर उठ के, कि इससे पूरा जो ओवर एंटायरिटी है इन द होलिस्टिक जो लेवल पे जो सही होना है वो चीज नहीं देख पाते हैं। तो और पूरा जिंदगी वो उसी में निकाल देते हैं। है ना जी तो फिर आप उनको, और वो पूरा ग्रुप, मतलब पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो उसी मान्यता में अपना पूरी जिंदगी निकाल देता है, और उनको कभी भी एहसास नहीं होता और ना कभी उनको वरीयता लगती है इस बात की कि मुझे कुछ समझना है। तो फिर ये जो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, उनको अपने अंदर तो कभी महसूस हुआ ही नहीं सर, तो फिर वही, कैसे उनकी वरीयता बनेगी? ऐसा नहीं कॉन्फ्लिक्ट महसूस नहीं हुआ, कॉन्फ्लिक्ट में थे और उसी को नॉर्मल मान लिया कि यही जीना है। तो अगर हम देखें, यदि हमारे में सही समझ नहीं होती है तो हम प्रतिक्रिया पूर्वक ही जीते हैं। आपने एक उदाहरण लिया, बट इन जनरल भी हम देखें तो हमारा जीना प्रतिक्रिया पूर्वक ही होता है अगर हमारे अंदर सही समझ सही भाव नहीं है। तो एक मास लेवल पे देखें तो पूरी प्रतिक्रिया पूर्वक जीना दिखाई देता है, इंडिविजुअल लेवल पर देखें तो भी दिखाई देता है। तो जहां भी हमारी समझ नहीं बन पाती वहां तो प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं को देखते हुए हम अपनी तरफ से कोई निर्णय ले लेते हैं। अपनी पूरकता को नहीं देख पाते, हम ये नहीं देख पाते कि व्यवस्था कैसे यहाँ बनेगी, संबंध का भाव कैसे स्थापित होगा, इस बात को नहीं देख पाते। तो मेयरली हम अपने रोल को इसी रूप में आइडेंटिफाई किए रहते हैं और इसमें लगे रहते हैं। तो इसको देखें तो मास लेवल पे भी है, इंडिविजुअल लेवल पे भी है ना? ये है, कई बार होता है कि समुदाय बन जाता है जिनका लक्ष्य हो जाता है कि किसी दूसरे समुदाय के विरोध में रहना, कोई वर्ग बन जाता है दूसरे वर्ग के विरोध में रहना, संस्थाओं में हो जाता है जो व्यक्ति पद पे आसीन है उनके विरोध में ही कुछ ना कुछ करते रहना। तो व्यक्ति गलत भी हो सकते हैं सही भी हो सकते हैं, परंतु यदि मेरे अंदर सही समझ होगी तो मैं सही अर्थ में प्रयास करूंगा, ना कि अगले का सिर्फ विरोध करूंगा। गलत को गलत कहना वो ठीक है, जहां गलती होगी उसको मैं गलत कहूंगा, बट मेरे अंदर भाव विरोध का नहीं होगा। विरोध का भाव है तो प्रतिक्रिया है। तो ऐसा भी नहीं कि सिस्टम में जो कुछ चल रहा है उसको सहमति स्वीकृति देते हुए चलेंगे, नहीं, जो गलत हो रहा है ठीक है उसको ठीक करना है, गलत को गलत भी कहेंगे परंतु संबंध के भाव से कहेंगे। यही बात परिवार में भी दिखाई देगी, यही बात ऑर्गेनाइजेशन में भी दिखाई देगा, यही बात समाज में दिखाई देगा। बिल्कुल। थैंक यू भैया, थैंक यू भाई इस बढ़िया समय दुआ। बढ़िया। तो ये मान्यता आधारित संस्कारों को देखें, इसी प्रकार से चल रहे होते हैं जहां हमारा प्रतिक्रिया पूर्वक जीना होता है और हम परतंत्र हैं। परतंत्र मतलब दूसरा व्यक्ति हमारे सुख दुख को तय कर रहा है। नहीं, हाँ भाई नमस्ते। नमस्ते। जैसे काफी लोग कहते हैं कि मतलब ऐसे बोला जाता है कि जीवन और मृत्यु सब ईश्वर के हाथ में है, लेकिन मैं तो जैसे ऐसा नहीं ये कह रहा हूँ, रुकिए, पढ़े हैं इस। हाँ ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जीवन मृत्यु ईश्वर के हाथ में, ऐसा कहाँ कहा। नहीं, आपने नहीं कहा, ऐसा सुना जाता है। मैं आपको मतलब इसको नहीं बोल रहा हूँ, इवन वेलू जी ऐसा आम बोलचाल में जैसे सुनने में आता है। तो जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं इस चीज की, ह्यूमन वैल्यू की, तो इसमें संस्कारों की बात होती है।
तो फिर जब जो जो मेरे को समझ में आया है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैंने गलत समझा हो तो वो सही कर दीजिएगा। तो हम चुनते हैं मतलब एक गर्भाशय को, मतलब मैं की चॉइस होती है आने की, तो क्या मैं की चॉइस शरीर छोड़ने की भी होती है? क्योंकि कभी कभी कोई एक्सीडेंटली खत्म हो जाता है। देखिए वो तो रहता ही है, एक मैं का निर्णय तो वहां शामिल होगा। जैसे किसी पॉइंट पे देखिए, अगर शरीर में कोई बहुत बड़ी चूक हो गई, चोट लग गया, सिर में चोट लग गया, सिर फट गया, है ना, कुछ ऐसा हो गया, शरीर काम ही नहीं कर रहा, तो वहां पे भी आप थोड़ी देर प्रयास करते हैं। जब कोई मनुष्य प्रयास करता है तो शरीर चलता रहे, अब नहीं चल पा रहा तो निर्णय लेते हैं कि ठीक है भाई, नमस्ते करें इसको। जब काम का नहीं रहा, शरीर स्वस्थ बने रहते हुए भी उतनी बड़ी कोई व्याधि नहीं हुई है, परंतु उत्साह नहीं है जीने में, तो बीमारी हुई उत्साह नहीं है, लग रहा है अपना तो कोई है नहीं, कोई देखने वाला नहीं है, तो वहां पे भी स्वयं में एक निर्णय होने लगता है कि ठीक है, शरीर छूट ही जाए तो ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए कार एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया और उसमें इंसान की डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट जो लोग बोलते हैं, तो वहां भी मैं ही निर्णय लेता है? देखिए वो एक्सीडेंट हो गया, शरीर टूटा फूटा पड़ा है सड़क पर, ठीक, मैं को आशा लगी हुई कि अभी चल जाएगा, बट शरीर के जो भौतिक रासायनिक क्रियाएं हैं वो सहयोग नहीं कर रही, तो फिर एक पॉइंट मैं निर्णय लेता कि ठीक है, इसको नमस्कार किया जाए। कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, ना संकेत दे पा रहा हूँ, ना संवेदना पढ़ पा रहा हूँ। डेथ का मतलब एसेंशियली होता है ब्रेन डेथ, तो कौन सा ब्रेन डेथ? में अच्छा ब्रेन डेथ, सर, अच्छा, ब्रेन के साथ सूचना का आदान प्रदान रुक गया। भैया जी कभी कभी ऐसा भी सुनने में आता है जैसे युद्ध हो रहा होता है, जैसे कारगिल वॉर हुआ था तो उसमें एक आध सैनिक का जैसे मैंने पढ़ा या सुना तो उनको कई गोलियां लग चुकी थी लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नहीं मरने वाला। और ऐसी कई डॉक्यूमेंट्री डिस्कवरी में भी मैंने देखी, एक आध फौजियों का जो डिस्कवरी चैनल है उसमें डॉक्यूमेंट्री देखी, तो उन्होंने जब निर्णय लिया कि अब मैं नहीं मरूंगा तो वो मरे भी नहीं, तो वहां भी मैं ही का निर्णय होता है? नहीं देखो, ये जो घटनाएं हैं, देखिए उसमें तो फिर हमको देखना पड़ेगा कि अल्टीमेटली फैक्ट क्या है। तो अच्छा डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, देखिए मैं का निर्णय तो है ही शामिल, वो तो मैंने दोनों स्थितियों में बताया, शरीर सहयोग ना करे तो भी, शरीर फिलहाल सहयोग कर तो भी मैं का निर्णय तो है। अच्छा अच्छा एक ही और पूछना है, जो हमारे जी साथ अनचाही घटनाएं हो जाती हैं, क्योंकि जो भी घटनाएं हमारे साथ होती हैं उसके जिम्मेदार हम खुद ही होते हैं, और जो हमारे साथ अनचाही घटनाएं होती हैं क्या उसके भी जिम्मेदार हम ही होते हैं? देखिए, हमारी जिम्मेदारी हमारे निर्णय तक है। जो तो घटनाएं हो रही हैं उसमें बहुत सारी वस्तुओं का योग संयोग है, तो घटनाओं की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी हमारे निर्णय की है। सामने से कोई अच्छा कार आ रहा है, ठीक है ना, हमारी हाँ जिम्मेदारी है कि हमने चलाने का निर्णय क्या लिया। अब अगले व्यक्ति ने आके हेड ऑन कुछ कर ही दिया, सामने से मार ही दिया, ठीक, हाँ तो हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है। उसके बाद मुझे क्या करना है वो मेरी जिम्मेदारी है, शरीर के साथ क्या करना है, व्यवहार में क्या करना है, वो सब मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा बढ़िया बढ़िया। जी तो वहां कोई प्रश्न है? इसका कोई प्रश्न नहीं है। ये कल पूछ रही थी कि मुझसे कि पापा ये बताओ भाषा कहाँ से उत्पन्न हुई, आ कहाँ से आया, कखगर कहाँ से आया, तो मैंने बताया कुछ नहीं, पहला इंसान किसने कखगर लिखा था। देखिए, ध्वनि और भाषा ये दो चीजें हैं, तो ध्वनि तो पहले से ही है, ध्वनि को हम एक अर्थ देते हैं, जो अर्थ देने वाली बात होती है ना, तो भाषा बन जाती है। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ वो हिंदी भाषा है, ध्वनि तो हम लोग कई प्रकार से निकालते हैं, ठीक, उसमें कुछ ध्वनियों को हम स्वीकार लेते हैं कि इसका ये अर्थ होता है, और फिर वो भाषा का रूप ले लेती है। तो ध्वनि तो प्रकृति में पहले से ही है, जड़ वस्तु में भी ध्वनि है, पेड़ पौधों में देखें तो पत्तों की खड़खड़ाहट होती है, और पशुओं में देखें तो वहां भी ध्वनि है, पशु भी बोलते हैं, ठीक, और पशु जो बोलते हैं उसको भी पशु एक अर्थ देते हैं।
परंतु वह भाषा का रूप नहीं ले पाता क्योंकि वो बहुत सिस्टमेटिक नहीं होता। हम उसको सिस्टमेटिक अर्थ दे पाते हैं कि हर बार एक तरह से प्रयोग करते हैं और उसको फिर हम एक्सप्रेशन के भिन्न भिन्न तरीकों में ले आते हैं, उसको लिटरेचर बन जाता है, साहित्य बन जाता है, तो भाषा को रूप ले लेता है। जी बढ़िया भैया, काफी कुछ क्लियर हुआ और बढ़िया, धन्यवाद। बढ़िया भैया। जी जी भैया, अभी जो बात हो रही थी कि ईश्वर नहीं है या भगवान नहीं करता है, तो हमारी तो मान्यता, हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, तो बहुत सारी चीजें हम प्रयास करके पा सकते हैं और बिना प्रयास की तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा समझना चाह रहा था। और तो विधि तो कहा है कि जो भी होता है विधिवत होता है, वहां तक तो ठीक ही है, तो जो भी हो रहा विधिवत हो रहा है। और कोई सुप्रीम पावर को तो हम मानते रहे, कोई ना कोई ऐसी सुप्रीम पावर है जो बहुत सारी चीजों को, जैसे अपन ने माना ना संतुलन है प्रकृति में, मानव में, आदमी उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाला जोन में आता है, बाकी चीजें तो आपस में ही संतुलित और व्यवहार पूर्वक एक दूसरे की पूरक के रूप में व्यवस्थित हैं। देखिए सुप्रीम पावर क्यों कहें, सहस्तित्व है, इतना पर्याप्त है। हाँ जी जी, सहस्तित्व ठीक ठीक, सहस्तित्व पूर्वक हो रहा है। अभी हमको ऐसा क्यों लगता है कि उसके लिए कोई करता होना जरूरी है? नहीं तो भैया देखिए ना, मदर के बॉम में जो बच्चा है, जब से इंसेप्शन होता है उसके बाद जो ड्यूरेशन है 9 मंथ्स का, तो उस समय फिजियोकेमिकल रिएक्शन है, लेकिन क्या कोई चीज तो ऐसी है जो उसको सांस दे रही होगी, क्योंकि हवा लेना वो जानता नहीं है, तो और बाकी फीडिंग भी तो होती है, जीव को कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होता है, तो वो सब फिजियोकेमिकल प्रोसेस तो है, लेकिन कहीं से तो गवर्न हो रहा होगा। एक निश्चित प्रकार से पहचाना निर्वाह करना हो रहा है। अच्छा जी 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 ठीक है, उसका आधार है कि वो शून्य में संपृक्त है, हर इकाई एक निश्चित प्रकार से पहचाना निर्वाह करना कर रही है। तो अभी हम जब उस चीज को नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते हैं, तो अपनी मान्यता से कुछ जोड़ देते हैं, क्योंकि तो शक्ति है ना, जो ऐसा चला रहा है, कर रहा है, बढ़िया ढंग से हो रहा है। अब वही घर में शिशु की अगर मृत्यु हो गई, फिर कैसे कहेंगे क्यों बढ़िया ढंग से नहीं चलाया? हाँ तो हेल्थ वाला पोर्शन भी हो सकता है। वही तो, पहले ही क्यों ना स्वीकार लें कि हेल्थ वाला पोर्शन है, और हेल्थ का भी आधार क्या है फिर? ठीक ठीक, क्योंकि जैसे प्रकृति है कि आप देखिए फ्लावर ऑफ वैलीज, वहां कौन कौन पानी डालने जाता है और कौन पौधे लगाने जाता है, बट स्टिल सारे लोगों का मनमोहक दृश्य प्रकृति अपने आप, ईश्वर और प्रकृति और जीव को तो ऐसा आनंद माना ही है, एक से दूसरा रिप्लेस हो रहा है या जो भी डिकम्पोजिशन कम्पोजिशन वाला फॉर्मेशन, लेकिन ईश्वर को तो क्या माने? ईश्वर को शून्य के रूप में देखेंगे, क्रिया शून्य के रूप में देखेंगे। ठीक तो ये प्रकृति में सारा कुछ फैला हुआ है भिन्न भिन्न इकाइयों के रूप में, अलग अलग रूपों में है ना, सब इकाई का अपना अपना गुण है, उसके बाद परस्परता में पहचानना हो रहा है, निर्वाह करना हो रहा है, इतनी वैरायटी है, इसको प्रकृति का ऐश्वर्य कहते हैं। तो प्रकृति का ऐश्वर्य है, विविधता है, इस ऐश्वर्य का आधार क्या है? तो शून्य, शून्य में संपृक्त बने रहते हुए हर इकाई ऐश्वर्य को प्रस्तुत कर रही है, तो ऐश्वर्य के आधार को ही ईश्वर कहा। ऐश्वर्य का आधार ईश्वर जी, और ऐश्वर्य के लिए हम लोग फिजिकल फैसिलिटीज से भी ये मानते हैं कि जिसके पास इंद्र को ऐश्वर्य जी, मतलब जैसे देवताओं को अगर बात करते हैं तो इंद्र का ऐश्वर्य की बात होती है, वो सबसे ज्यादा संपन्न, संपन्नता को हम ऐश्वर्य के साथ जोड़ेंगे क्या, फिजिकल फैसिलिटीज को, या स्वास्थ्य जिसका बढ़िया है और सारी सब कुछ अवेलेबल है फिजिकल फैसिलिटीज, बट लेकिन वो यूज नहीं कर पाता है, तो वो ऐश्वर्य में आएगा क्या? ऐश्वर्य मतलब ये जो प्रकृति में भिन्न भिन्न इकाइयों का उपलब्ध होना है,
अलग अलग रूप गुण के साथ, इसको ऐश्वर्य कहा। जी भैया, ऐश्वर्य मतलब फैलाव, कैसे फैला हुआ, पूरी प्रकृति इतना फैली हुई है, ठीक भिन्न भिन्न इकाइयों के रूप में, इकाइयों की भिन्न भिन्न परस्परता है, उसको ऐश्वर्य कह रहे हैं। उसी को जब हम मानव के ऊपर भी लेकर आते हैं, मानव के बारे में बात करते हैं, तो ऐश्वर्य को वहां भी हम कहना शुरू करते हैं, परंतु उस अर्थ कई बार हम सही ढंग से नहीं दे पाते। तो ऐश्वर्य को सही रूप में देखें तो प्रकृति का ऐश्वर्य। अब जब देवी देवताओं की बात कर रहे हैं तो देवी देवताओं को सेल्फ के रूप में उनको देखना बनता है, तो सेल्फ है ना, देवी देवता भी सेल्फ है, श्रेष्ठ मैं है, श्रेष्ठ सेल्फ है, और अगर श्रेष्ठता का अभाव है तो भी दिखाई देता है, अल्टीमेटली सेल्फ है, वो शून्य नहीं है। तो देवी देवता और ईश्वर, ये दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं। ईश्वर तो क्रिया शून्य को कह रहे हैं, देवी देवता मैं को ही कह रहे हैं। हाँ, वो डिफरेंट मैं होगा, वही मैं है, मैं में श्रेष्ठता है, सही मायने में देखें तो देवी देवता है जिनमें श्रेष्ठता है। भैया एक थोड़ा सा और मन में ये आ रहा था, ये निर्भय होकर अभय होकर के ये वेद मंत्रों में भी आया है, और इस तरह से जीना चाहिए तो बहुत ज्यादा व्यक्ति जो है अपने को सेल्फ कंफर्टेबल रह पाता है, तो आप थोड़ा सा क्या चीज से ये अभय मतलब जीवन में निर्भय होना, अभय होना, और किसी भी तरह की सिचुएशंस में अपने को सामंजस्य स्थापित कर पाना, मतलब जी निर्भय होना एक आवश्यकता है, अभय होना। हाँ ठीक बात है, लेकिन निर्भय और अभय ये दोनों के अलग अलग शब्द हैं। निर्भय का मतलब भय बना हुआ है और भय से निपटने के लिए हम तैयार भी हैं, ये निर्भय है। अभय का मतलब भय ही नहीं है। हाँ, भय हम मानते ही नहीं है या है नहीं, मानने की बात नहीं है, है ना, तो भय ही नहीं है हमारे अंदर, विश्वास का भाव है, यह भय विश्वास का भाव है, और उसके बाद फिर हम उससे जो भय है उसे निपटने के लिए हम व्यवस्था बनाए हुए, तैयारी किए हुए, वो निर्भय हो गया। हाँ जी भैया, जी भैया, ओके जी, बढ़िया, धन्यवाद, कृतज्ञता, बढ़िया भैया। तो 6A में हमने देखा कैसे हम प्रतिक्रिया पूर्वक निर्वाह करते हैं, 6B में हम देख रहे हैं कैसे हम जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह करते हैं। तो अगर समझ है हमारे अंदर, यदि मेरे निर्णय सही समझ पर आधारित होते हैं तो मैं निरंतर आराम में रहता हूँ, सुखी रहता हूँ, मैं संवेदना का उपयोग शरीर या बाहर का ठीक ठीक मूल्यांकन करने में करता हूँ, और फिर यह तय करता हूँ कि कैसे व्यक्त हूँ, किस प्रकार परस्पर पूरक हो पाऊँ। तो दूसरे जो भी भाव व्यक्त करते हैं वह उनकी स्थिति को दर्शाता है। यदि दूसरा आवेशित है, गुस्सा करता है, तो मैं निष्कर्ष देख पाता हूँ अपने आप में कि उसमें सही समझ नहीं है, परेशान है, उसे मेरे सहयोग की आवश्यकता है, उसे आश्वस्त करने की आवश्यकता है, और फिर मैं देखता हूँ कि उसको आश्वस्त करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो अपनी तरफ से सही भाव, सम्मान, विश्वास के साथ में प्रस्तुत होता हूँ, और सही समझने में मैं उसका सहयोग करता हूँ। वही बात वातावरण के लिए भी है कि वातावरण में होने वाले बहुत रासायनिक परिवर्तनों के साथ भी मैं इसी प्रकार से निर्वाह करता हूँ। तो जितनी ठंड है उसके अनुरूप कपड़े पहनता हूँ, ये एक उदाहरण है। कोई दृश्य दिख रहा है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता, मतलब उससे मैं एक तरह से प्रभावित ही नहीं होता, ऐसा नहीं कि उसको देखकर मैं एक्साइटेड हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, उसका मैं सही सही आकलन कर पाता हूँ। कोई गंध है उसका भी मैं सही सही आकलन कर पाता हूँ, उसके अनुसार निर्वाह करता हूँ। स्पर्श है उसका भी मैं सही से आकलन कर पाता हूँ, निर्वाह कर पाता हूँ। स्वाद है तो ये भी हम उसको तय कर पाते हैं, और शरीर की स्थिति का सही आकलन कर पाते हैं। तो सरदर्द शायद यह संकेत कर रहा हो कि शरीर में पानी की मात्रा को और बढ़ाने जा सकता है। तो हर जगह हमारे अंदर पूरकता का भाव मिलता है, दूसरे मनुष्य के प्रति भी, प्रकृति में होने वाली बहुत ही रासायनिक प्रक्रियाओं के प्रति भी, और शरीर में होने वाली घटनाओं के प्रति भी, हर जगह हमारे अंदर एक पूरकता का भाव बना रहता है।
मैं शरीर के माध्यम से अपने भाव विचार को बाहर व्यक्त करता हूँ। दूसरे का जो कार्य व्यवहार है, जो भौतिक रासायनिक परिवर्तन है, शरीर की स्थिति है, इन सबका मेरे सुख की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं स्वतंत्र रहता हूँ, स्वयं में व्यवस्थित रहता हूँ। स्वयं में व्यवस्थित बने रहते हुए मैं अपनी भागीदारी का निर्णय करता रहता हूँ। ये बात दिखाई देगी आपको, तो इसको थोड़ा हम अपने आप में ऑब्जर्व करें। 6B में जो बात कही जा रही है, कितनी बार हम ऐसा कर पाते हैं इसको देखें। हम कितने अवसरों पर रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, चाहे दूसरे के व्यवहार के प्रति या बाहर की भौतिक रासायनिक है ना घटनाओं के प्रति या शरीर के प्रति, शरीर में होने वाले घटनाओं के प्रति हम कितनी बार रिस्पॉन्ड करते हैं, कितनी बार रिएक्ट करते हैं, इसको अपने आप में हम थोड़ा ऑब्जर्व करें। जी बढ़िया, तो ये देखने का हम लोग प्रयास कर रहे थे कि हमने कितनी बार जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह किया। कल दिन भर को देख लें, सुबह से देख लें, देखें कि कितनी बार हम जिम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत हुए, चाहे दूसरे के व्यवहार के प्रति या बाहर की भौतिक रासायनिक घटनाओं के प्रति या शरीर में होने वाली क्रियाओं के प्रति। और यदि जिम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत नहीं हुए तो कैसे कैसे हमने प्रतिक्रिया की। इसको हम अपने आप में ऑब्जर्व करें ना, कैसे हम रिएक्ट करते हैं। जब भी एक प्रश्न आ रहा था कि कई बार हमारे पूरे जीने का कार्यक्रम एक रिएक्शन हो जाता है, जिम्मेदारी के भाव को हम देख ही नहीं पाते किसी व्यक्ति के प्रति। इनफैक्ट अगर आप देखें तो फिल्मों में दिखाते हैं कि किसी एक्टर के पिता के साथ कोई घटना हो गई बचपन में और पूरा का पूरा लाइफ उस रिवेंज के लिए लगा देता है। नहीं और ऐसे देखे तो पूरी की पूरी प्रतिक्रिया पूर्वक जीना है। या बचपन में हमने कोई चीज देख ली और हमारे अंदर एक इच्छा बन गई कि मुझे भी यहाँ पहुंचना है, ऐसा करना है, उस इच्छा का मूल्यांकन भी नहीं कर पाए और उस इच्छा को पूरा करने पूरी शरीर यात्रा लगा दी। तो हमें ये देखना है कि हमारा जो जीना है कितना जिम्मेदारी पूर्वक है, कितना प्रतिक्रिया पूर्वक है। कोई सुविधा हमारे सामने आती है और हमारे अंदर इच्छा निर्मित हो जाती है कि सुविधा हमें चाहिए। कोई घटना सामने होती है और घटना को लेकर हमारे अंदर प्रतिक्रिया तैयार हो जाती है। तो हम जिम्मेदारी पूर्वक जी रहे हैं या प्रतिक्रिया पूर्वक, ये अपने आप में तय करने का मुद्दा है। इसको हम ऑब्जर्व करते रहे है ना, तो ये हम देखें अपने आप में कि कब कब हम प्रतिक्रिया पूर्वक निर्वाह कर रहे हैं, कब कब हम जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह कर रहे हैं। और जो भी हम जिम्मेदारी पूर्वक या प्रतिक्रिया पूर्वक निर्वाह कर रहे हैं उसके आधार में हमारा कोई भाव है, कोई अर्थ है जो हमने संवेदना को दिया है। तो पहले अभ्यास में हम भाव को देखते रहे, अब इस भाव का जो स्रोत है, जो शरीर से मिलने वाली सूचना है उसको भी देख रहे हैं और उसके साथ फिर हम जोड़ कर देख पा रहे हैं कैसे हम प्रभावित होते हैं या अप्रभावित रहते हैं। जी किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं। वैसे मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भी एक से अधिक बार इस सुबह का सत्र किया है, इन मुद्दों पे काफी क्लैरिटी बनी है और आपके जीने में भी परिमार्जन या परिवर्तन दिखाई दे रहा होगा। उसको आपसे जब शेयरिंग में सुनेंगे तो और उस पर क्लैरिटी बनेगी। तो आपको लगेगा कि अब तो प्रश्न ज्यादा नहीं बचे हैं, अल्टीमेटली इसको स्वयं में देखना है, उसको जीना है। जी तो सही समझ आधारित संस्कार होता है, जिम्मेदारी पूर्वक जीते हैं तो सही समझ के आधार पर मेरा भाव और विचार सही रहता है। मेरा भाव और विचार सही समझ के आधार पर तय होता है, किसी बाहरी घटना से प्रभावित नहीं होता। मैं आराम में रहता हूँ, निरंतर सुख की स्थिति में रहता हूँ। बाहरी संकेतों को मैं अपने शरीर या बाहर की स्थिति का मूल्यांकन करने में प्रयोग करता हूँ। तो मेरी जो इच्छाएं हैं, जो भाव है, वो निश्चित रहते हैं और मैं संबंध में अपनी जिम्मेदारियों को समझता हूँ, उसका निर्वहन करता हूँ। तो शरीर के साथ देखें तो शरीर के पोषण संरक्षण सदुपयोग का भाव बना रहता है,
पोषण कहें, संरक्षण कहें, पोषण कहें, संवर्धन कहें, दूसरे मनुष्य के साथ व्यवहार में न्याय का भाव बना रहता है, उभय सुख का भाव बना रहता है, शेष प्रकृति के साथ जो कार्य कर रहे हैं उभय समृद्धि का भाव बना रहता है, और बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करते समय मानवीय समाज की, अखंड समाज की, मानवीय परंपरा का भाव बना रहता है। तो इस भाव के साथ हम आगे निर्वाह करते हैं। बाहरी संकेतों और घटनाओं का ठीक ठीक मूल्यांकन करके मैं यह तय करता हूँ कि दी गई स्थिति परिस्थिति में मैं किस प्रकार परस्पर पूरक हो सकता हूँ, किस प्रकार अपनी जिम्मेदारी का ठीक ठीक निर्वाह कर सकता हूँ, और मैं जिम्मेदारी पूरक प्रस्तुत होता हूँ। तो बात कुल मिलाकर इतनी है कि हमारे अंदर सही भाव सुनिश्चित होना है, सही समझ सुनिश्चित होना है, उसी के क्रम में जो इंक्लूडेड स्टेप्स हैं उनको हम और बारीकी से देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम ये देखें कि शरीर के प्रति हमारे अंदर पोषण का भाव बना रहता है कि नहीं, संरक्षण का भाव बना रहता है कि नहीं, सदुपयोग का भाव बना रहता है कि नहीं, या हम उसका अन्यथा निर्वहन करने लगते हैं। दूसरे मनुष्य के साथ व्यवहार में दूसरे का सुख हमारे ध्यान में रहता है कि नहीं, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो हमारे अंदर जो भाव विचार चल रहा है सिंपली उस पर ध्यान है, और दूसरे के साथ हमने कुछ कह दिया, या दूसरे के सुख दुख का भी ध्यान है कि दूसरे की भी कोई कल्पनाशीलता की स्थिति होगी, अभी कहना उचित है नहीं है, मेरी इस बात से अगला व्यक्ति दुखी होगा सुखी होगा, इस बात को हम ध्यान में रख पाते हैं। वैसे कार्य करते समय प्रकृति की ओर हमारा ध्यान बना रहता है या नहीं, तो जब हम सुविधाओं का प्रयोग भी कर रहे हैं, जिस प्रकार से कर रहे हैं, जिस मात्रा में कर रहे हैं, उन सबके साथ हम देखेंगे कि प्रकृति समृद्ध हो पा रही है कि नहीं। वैसे ही हम कहीं व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं, शिक्षा तंत्र में हैं, हम समाज में कोई भागीदारी कर रहे हैं, तो हम पूरी मानवीय परंपरा तक देख पाते हैं कि नहीं। तो इसको अब कहने के लिए थोड़ी ही बातें हैं संक्षेप में, परंतु देखने के लिए तो आगे का पूरा समय है अपने पास, इसको हम देखते चलें। अभी और नए प्रश्न बनेंगे, है ना, जब जिम्मेदारी के भाव के साथ भी देख रहे होते हैं तब भी ऐसा लगता है कि उसका पूरा नहीं कर पा रहे, पूरा नहीं कर पा रहे, तो फिर वहां भी परेशानी होती है। तो जिम्मेदारी का भाव एक आशा के रूप में बना हुआ है या भाव स्थापित हो गया है, ये भी देखने की बात है कि जिम्मेदारी ना पूरी हो जाए बस ऐसा भाव है, या जिम्मेदारी क्या है मैं इसको देख पा रहा हूं। तो इसको हम बारीकी से देखें, इसको और हम पोर पोर करके देखें, फैला कर देखें, बांट के देखें, तो बहुत सारी चीजें ध्यान में आएंगी, बहुत सारे मुद्दों पे ध्यान जाएगा। तो एक तरह से देखें तो हमने अभ्यास एक को भी किया और अभ्यास दो को कर रहे हैं, और इसमें भी हम कंक्लूजन की तरफ पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर रखने के लिए तो बात इतनी है, एक बात जो शेष रह गई है वो शून्य में अपने आप को देखना, उसको हम स्टेप 7 पे डिस्कस करेंगे। परंतु एक जिम्मेदारी ये भी बनती है कि जो भी स्थिति परिस्थिति है जिसके साथ मैं आराम में नहीं रहता हूँ, उसको मैं अपने आप में ऑब्जर्व करूँ, उसको डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं, है ना, और देखें कि किन किन परिस्थितियों में परेशान होता हूँ, किस प्रकार परेशान होता हूँ, कौन सी संवेदनाएं ऐसी हैं जो बाहर से मुझे मिलती हैं और वो मेरे लिए परेशानी कारण बन जाती है, मैं उद्विग्न हो जाता हूँ या है ना आवेश में आ जाता हूँ, प्रतिक्रिया करने लगता हूँ। जी, यदि कोई किसी का जानबूझकर अपमान करता है और हम देख रहे हैं, तो जब कहीं गलत हो रहा होता है तो वहां हमें हमारा हमें क्या करना चाहिए? ये तो ठीक है, समझदारी जिम्मेदारी से हमें समझाना चाहिए, उनसे बात रखना चाहिए, लेकिन ऐसी परिस्थिति भी आती है भैया जब उनसे बात करना भी ठीक नहीं लगता है। तो मेरे भाव भी वहां पे मैं देख रही थी कि मैं मतलब वो देख नहीं पा रही थी वो स्थिति, तो मुझे अपने आप का क्या करना चाहिए था वहां पे? जी, तो आपने उदाहरण रखा, मूल बात है कि मेरे सामने अन्याय हो रहा है,
न्याय नहीं हो पा रहा जी है ना, जी जी ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए? जी तो हमको ये दिखता है कि न्याय सुनिश्चित होता है सही भाव के आधार पर ही। इसमें दो काम करेंगे, एक तो जो अन्याय हो रहा है उसको कम करने का या रोकने का काम करेंगे ध्यान आकर्षण कराकर, दूसरा न्याय के लिए अवसर बनाएंगे। तो कोई अवसर है ना, इस तरह का 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, और यहाँ पे अपने को दिखा, तो उस समय तो ठीक नहीं रहेगा कि हम इमीडिएटली बात करें, उस पर जाकर कुछ बोले, परंतु उसके बाद हम बैठ के चर्चा कर सकते हैं। और यदि लग रहा है कि कुछ अन्याय बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है किसी व्यक्ति के साथ, तो वो किसी, अगर हम इन जनरल देखें, तो उस अन्याय को रोकने के लिए हम अपनी भागीदारी करेंगे, वो जितना वहां पे उचित लगता है उतने के अनुसार निर्णय लेंगे, है ना, बट आगे न्याय हो उसके लिए काम करेंगे। तो देखिए मुख्य मुद्दा इसमें सम्मान का है जी। और जो कल भी बात हो रही थी ना कि जहां हम किसी को अपने से आगे अपने को पीछे मान लेते हैं, वहां तो व्यवस्था में भागीदारी करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती, पर जहां लोग एक दूसरे के समतुल्य मान लेते हैं, या फिर जो अपना पियर ग्रुप होता है उसके साथ निर्वाह करना हो, या फिर है ना जो लोग इस रूप में व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं उनको सम्मान करना हो, ये सब कठिनाई उत्पन्न होती रहती है। उसमें जिस व्यक्ति के साथ न्याय हो रहा है उसमें भी देखना होगा कि उसमें सही समझ है कि नहीं, अगर होगी तो नहीं परेशान दुखी होगा, अगर नहीं होगी तो परेशान दुखी होगा। तो हमें ये अपने आप में भी स्पष्ट होना है कि इस तरह घटनाएं संभावित हैं, होंगी ही, ठीक है, इसमें हम अपने आप में अपनी भागीदारी को पहले से ही देख पाए। तो यदि कहीं व्यवस्था बिगड़ रही है तब तो हम सेंट्रल रोल में आकर उसको ठीक करने का काम करेंगे, अगर व्यवस्था ठीक चले तो ठीक है, हम धीरे धीरे अपने आप को सेंटर से हटाएंगे और व्यवस्था को सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। अगर ये भाव हमारे अंदर होगा तो हमारे जो साथी संगी होंगे वो भी फिर अपने आप को सेंटर में रखने का प्रयास नहीं करेंगे, नहीं तो फिर जो अपने संगी साथी होते हैं वो भी सेंट्रल स्टेज ऑक्यूपाई करना शुरू करते हैं, फिर आपस में संघर्ष होने लगता है। ये एक सामान्य सी बात है, अगर आपने जो उदाहरण दिया उसको फैला के समाज में देखें, पूरे समाज में यही चल रहा होता है कि सेंट्रल स्टेज किसको मिलेगा, उसी के लिए संघर्ष हो रहा होता है। तो ये हमें दिखता है कि अल्टीमेटली मुझे व्यवस्था का आधार बनना है ना, कि व्यवस्था का प्रतीक बनना है कि मेरे चेहरा, मेरा नाम। भैया मेरे अंदर जब से ये भाव आए हैं, मतलब सेंट्रल में ना रहने का, मतलब जहाँ जगह मिल गई वहां बैठने का, जब से मैं इतना आराम महसूस करती हूँ। और होता ये है कि जब मैं ऐसे भाव रख के वहां होती हूँ तो मेरा नाम पता नहीं कैसे वहां पे पहुंच जाता है, और वो लोग मतलब कहीं ना कहीं वो नाम आ जाता है सबके बीच, पर मैं मेरे भाव बिल्कुल नहीं होते। अब वो क्या है, जैसे हम वो कुर्सी ऑक्यूपाई करते हैं ना, कुर्सी हिलने डुलने लगती है, फिर उस कुर्सी को बचाने के लिए चिंता बनी रहती है। जी और बहुत अच्छा लग रहा है, आधार बनना है। जी 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 सर, बढ़िया दीदी। तो आज हम लोग इसको ऑब्जर्व करें अपने अंदर जिम्मेदारी के भाव को, कल से फिर आगे और संवाद करेंगे। तो यहाँ तक बात रख के आज बात पूरी करते हैं, समय हो चला है। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।